अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि लेट 19th सेंचुरी में एक वर्ड इजाद हो गया था जो कि शैतान ने कर दिया था, और वो था बोर्डम। ये रीअकरिंग फेनोमेना था इन लिटरेचर एंड ड्रामा। इससे पहले हमने जब हेडा गैबलर पढ़ा तो उसके अंदर भी हमने ये मेलेडी ऑफ बोर्डम देखा वहां पे, और वो जो बोर्डम है वो इंसान को डेथ तक लेके जाती है। अच्छा, इट इज कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो बोर्डम है, अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी कनेक्टेड है। द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये जो राइज हुआ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, एक्सेसिव लेजर टाइम, लोगों के पास बहुत ज्यादा वक्त आ गया, हमारे पास भी एक्सेसिव लेजर टाइम, और हम क्या करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे गुजार देते हैं। एंड द नोशन ऑफ हैप्पीनेस ड्राइव फ्रॉम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लोगों ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के एक नोशन ऑफ हैप्पीनेस स्टार्ट हो गया कि मेरी अपनी जिंदगी है और मैं उसको खुश और खुर्रम तरीके से गुजारना चाहती हूँ। ठीक है, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ना जीऊं, मैं अब बाउंड हो जाऊं घर तक। ये सारी चीजें जो है यहाँ से जनाब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंटिसिपेट स्पेक्टेड लैंडस्केप ऑफ एमलेस वॉन्डरर्स character who are simultaneous ornate and profane. Chekhov anticipate karta hai Beckett's landscape of aimless wanderer ko. theek hai, Beckett ka jab hum waiting for godot padhenge to wahan pe aap dekhiyega wo aimless wanderers jo hai wo show karta hai characters who are simultaneously ornate and profane, jo ki bilkul simultaneously ornate aur profane hai, yani ki kisi kaam ke nahi hai, subtle and ridiculous hai. portrays a theater of absurd through the paradigm of realism, और वो theater of absurd through paradigm of realism जो है वो show करते हैं। ये जब आएगा भी Beckett का next drama तो फिर मैं आपको बताऊंगी और detail उस वक्त बता दूंगी कि वहाँ पे existentialism क्या थी, absurdism क्या थी, ये सारी चीजें हम फिर discuss कर लेंगे। He captured the buzzwords of modern existential condition against annual boredom, helplessness and despair, couching these feelings and attributes into sublime comedy. अच्छा जी, हम चेरी ऑर्चर्ड पे चलते हैं। ठीक है, द चेरी ऑर्चर्ड प्रीमियर्ड एट मॉस्को आर्ट थिएटर इन 1904, स्लाइड नंबर 30, अ पर्सपेक्टिव ऑन द चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इन रशिया एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। एक पर्सपेक्टिव है सोशल चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर। चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक हम देखेंगे कि सोशल और सोशियो इकोनॉमिक, इसको बेशक कह लीजिएगा कि एक सोशियो इकोनॉमिकल चेंज हम देखेंगे, और एक पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो देखा गया हम वो देखेंगे इसके अंदर। द क्लैश बिटवीन द ओल्डर जनरेशन विच इज द यंगर कैरेक्टर्स हैज ग्रोन अप सिंस सर्वडम वॉज एबॉलिश्ड। यहाँ पे आपको क्लैश दिखाया जाएगा ओल्डर जनरेशन का, विच इज एंड द यंगर कैरेक्टर्स हैज ग्रोन अप, जो कि विच इज और यंगर कैरेक्टर्स जो है ग्रोन अप्स के दरमियान आपको दिखाया जाएगा एक ओल्ड जनरेशन और एक यंगर कैरेक्टर जो कि अब ग्रोन अप्स हैं। सिंस सर्वडम वॉज एबॉलिश्ड, उस वक्त जब सर्वडम जो है वो खत्म होने को जा रही थी। सर्व बेसिकली लेबर क्लास को कहा जाता है, यहाँ पे सर्वडम यानी कि जद्दी पुश्ती जो सर्व चले आ रहे थे और उनकी एक ट्रेडिशन थी। अभी भी आप कभी वडेरों वगैरह के घरों में चले जाएं तो वो जद्दी पुश्ती सर्व चले आ रहे होते हैं उनके घरों में, यानी कि वो चाइल्ड लेबर वहाँ पे बहुत कॉमन होती है। वो मजरे रख लेते हैं अपनी जो है जमीनों पे और सारी उम्र वो बेचारे उनका काम करते हैं। इट पोर्ट्रेज रशियन सोसाइटी इन अ स्टेट ऑफ लक्स एंड मार्क्स इन द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। इसको फ्यूडलिज्म कहा जाता है कि पोर्ट्रे करती वो रशियन सोसाइटी इन अ स्टेट ऑफ लक्स में और मार्क्स द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, और एंड ऑफ फ्यूडलिज्म को वो मार्क करती है। ये फ्यूडलिज्म ही है ना, फ्यूड किसे कहते हैं, फ्यूडल्स कौन होते हैं, जागीरदाराना निजाम में क्या होता है, सिंध में ये जो वडेरा सिस्टम है ये फ्यूडल, ये वही फ्यूडलिज्म ही तो है ना, कि ये जो फ्यूड्स होते हैं, फ्यूडल्स होते हैं, ये जो जागीरदार होते हैं, ये जो अपनी जमीन पे रहने वाला जो गरीब तबका होता है उनको गुलाम बना लेते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, और यहाँ पे राइज ऑफ कैपिटलिज्म देखा गया है। कैपिटलिज्म मीन के ये जो पैसा कमाने वाली एक इमर्जिंग क्लास थी, जो पेशावराना क्लास थी, जिसमें पैसा जो है चंद अमीरों के हाथ में आ जाता है और वो पूरी स्टेट पे राज करते हैं। इट मिरर्स द सेंस ऑफ, जिसको हम नोबिलिटी भी कह रहे थे,
It mirrors the sense of loss of Lyubov Ranevskaya and her aristocratic family. और ये जो है क्या शो करता है सेंस ऑफ लॉस ऑफ लाइबा रोमानेस्काया को शो करता है ठीक है और उसकी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का जो है डाउनफॉल शो करेगा द चेरी ऑर्चर्ड इज कंसर्नड विद सच इश्यूज एट द डायमिन्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी द राइज ऑफ मिडिल क्लास द एमेंसिपेशन ऑफ सर्व्स यहाँ पे आपको डायमिन्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी यानी कि उसका फॉल दिखाया जाएगा rise of middle class दिखाया जाएगा emancipation of serf वो जो emerging class emerging of emergence of serf थी कि वो emancipate हो गए थे वो liberate हो गए थे उनकी liberation दिखाई जाएगी the devolution sorry the devolution of agriculture economics devolution of agriculture economics आपको दिखाया जाएगा farming problems आपको दिखाया जाएगा कि एक उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बिल्कुल डाउन हो गई थी फार्मिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि लोग मटेरियलिस्टिक हो गए थे जब लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं तो लैंड का बागों का अब आप देखें ना हमारे घरों में लॉन्स का तस्वुर ही खत्म हो गया यहाँ तक के सिटीज के अंदर आपको कोई खेत इस तरह की चीजें नजर नहीं आएंगी क्यों क्योंकि दैट इज बेसिकली लोग अब मटेरियलिस्टिक हो गए दे नेवर बॉदर के फार्मिंग जो है उसका डिक्लाइन हो गया है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो फॉल हो चुकी है द प्रोसेस ऑफ द गार्डन डिलैपिडेशन क्लोजली पैरेलल द डिके ऑफ आउटमोडेड वैल्यूज ऑफ रशियन जेंट्री द चेरी ऑर्चर्ड अ कॉमेडी अ वॉडेविल एज अ थिएटर जनरा ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट अ कॉमेडी इन 4x 4x में ये कॉमेडी है द डिबेट ओवर वेदर द प्ले इज इन फैक्ट अ कॉमेडी और अ ड्रामा अक्सर एक इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये प्ले जो है कॉमेडी है कि ये कोई ट्रेजेडी है यहाँ पे और ड्रामा लिखा है ये ट्रेजेडी है न्यू फॉर्मल इनोवेशंस इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ एम्प्टी स्टेज लॉस्ट डायलॉग्स एंड इट्स मिक्सिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट बट मैनी सॉ द प्ले एज अनडिनाइबल ट्रेजिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसके अंदर मैडम रेवेनस्काया Anaya, Gabe, Lopakhin, Trofimov, Pistik, Yepigodov, Dunyasha, Pierce, Yasha, a wayfarer, the station master, a post office clerk. Characters देख लेते हैं मैडम रेवेनस्काया एंड एरिस्टोक्रेटिक वीमेन जिसको लायबव भी कहा जाता है incapable of adopting to the changing social climate in Russia. मैडम रेवेनस्काया जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक विमेन थी लेकिन वो इनकैपेबल थी कि वो जो चेंजिंग सोशल क्लाइमेट था रशिया में वो उसको अडॉप्ट करने से कासिर थी यानी कि उसके अंदर मतलब एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी कि वो उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर पाती जो कि उस दौर में चल रहा था अ काइंड एंड जेनरस विमेन हु इज इररेस्पॉन्सिबल काइंड और जेनरस तो थी लेकिन वो इररेस्पॉन्सिबल थी व्हेन इट कम्स टू मनी एंड एडल्ट लाइफ फ्लेड टू पेरिस फ्रॉम रशिया आफ्टर 5 years बिफोर टू ट्राई टू फॉरगेट द डेथ्स ऑफ हर लिटिल बॉय एंड हर हस्बैंड वो पेरिस चली गई थी फ्रॉम रशिया 5 साल पहले ही ताकि वो जो है फॉरगेट कर सके डेथ्स ऑफ हर लिटिल बॉय और अपने हस्बैंड की डेथ को रादर देन लिविंग इन प्रेजेंट मिसेस रेवेनस्काया पिक्चर्स द ऑर्चर्ड एज इट वॉज इन हर चाइल्डहुड मेमरी यहाँ पे एक मेन थीम है और मैडम रेवेनस्काया जो है बिजेस्की की वो प्रेजेंट गुजारती वो हमेशा अपने पास्ट में यानी कि चाइल्डहुड में रहती थी लोपाकिन यर्मोलाया अलेक्जेंडरविच ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू जनरेशन ही इज एन एंथुसियास्टिक बिजी पर्सन एंड फुल्ड विद ईगरनेस टू वर्क लोपाकिन इज द फर्स्ट मेन कैरेक्टर फ्रॉम द मर्चेंट क्लास इन चेखव्स प्ले ये जनाब वो इमैंसिपेटेड सर्फ को भी शो करता है इमर्जिंग मर्चेंट क्लास को शो करता है और ये वो रिप्रेजेंटेटिव था जो कि एंड में जाके इस चेरी ऑर्चर्ड का जो है वो ऑनर होगा अ वेल्दी बिजनेसमैन हुज ग्रैंडफादर वाज वंस अ सर्फ ऑन द रेवेनस्काया स्टेट एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसका ग्रैंडफादर जो था वो एक सर्फ था इस रेवेनस्काया की स्टेट well dressed and respected yet he is not literally or cultured wo well dressed bhi tha respected bhi tha
लेकिन लिटरेली और कल्चर्ड नहीं था, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो था वो एक पुअर फैमिली से था, तो उसका जो ब्रॉट अप हुआ था वो यानी कि एक अंगूठा छाप था जो कि अमीर हो गया था. बोथ हिज प्रेपोस्टरस मिसकोटिंग्स ऑफ हैमलेट एंड हिज पुअर पेनमैनशिप एम्बैरस हिम. उसकी प्रीपोस्टरस मिसकोटिंग्स ऑफ हैमलेट और उसकी पुअर पेनमैनशिप जो है वो उसको, मैंने कहा ना अंगूठा छाप छाप बंदा था ना, उसको लिखना आता था ना पढ़ना आता था, क्योंकि वो पुअर क्लास से बिलोंग करता था. इस वजह से उसको इस तरह का कोई भी अंदाजा नहीं था. अ सिंबॉलिक कैरेक्टर इन दैट ही एपिटोमाइजेस द सक्सेस पॉसिबल फॉर द न्यूली फ्रीड सर्व. एक सिंबॉलिक कैरेक्टर था जिसके अंदर वो एपिटोमाइज करता है सक्सेस पॉसिबल फॉर द न्यूली फ्रीड सर्व, जो कि सिंबलाइज करता है उस सक्सेस को जो कि न्यूली फ्रीड सर्व के लिए जो है वो दिखाई गई है इसके अंदर. उसके बाद है गेव लेनार्ड एंड्रेविच, एन इररेस्पॉन्सिबल अनकैम्प्ड मैन हु प्रेफर टू प्ले और प्रिटेंड टू प्ले बिलियर्ड्स देन टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू हिज फैमिलीज प्रॉब्लम. ही कॉन्स्टेंटली पॉप स्वीट्स इन टू हिज माउथ. हर वक्त वो अपने मुंह में जो है वो स्वीट्स डालता रहता था. Insults people such as Labakian with whom he disagrees and has to be reminded to put on his jacket by force. Like his sister, he imagines the cherry orchard as it was in his childhood. अपनी बहन की तरह वो भी हर वक्त अपनी childhood memory में खोया रहता था. Unable to accept that it will soon be sold. कि उसको बस यही था कि ये जल्दी, मतलब वो ये चीज accept करने को तैयार नहीं था कि ये जल्दी सोल सेल हो जाएगी. रेवेनिस्काया एडॉप्टेड डॉटर वराया इन लव विद लबाकिन बट शी डाउट्स दैट ही विल एवर प्रपोज टू हर. शी वेयर्स ओनली ब्लैक एंड वेरी डेडिकेटेड टू हर वर्क एंड टू रिलीजन. हार्ड वर्किंग एंड रेस्पॉन्सिबल एंड हैज अ सिमिलर वर्क एथिक टू लबाकिन. एनिया रेवेनिस्किया's बायोलॉजिकल डॉटर, रेवेनिस्किया की जो बायोलॉजिकल डॉटर थी वो एनिया थी. ड्रेसेस ऑल इन वाइट टू सिग्निफाई हर प्योरिटी एंड इनोसेंस. ग्रेटली एंजॉयज द कंपनी ऑफ ट्रॉफिमोव एंड हिज लॉफ्टी आइडियलिज्म. द ऑपोजिट ऑफ हर सिस्टर वराया एंड इज अ यूथफुल स्वीट एनर्जेटिक यंग वीमन लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. ट्रॉफिमोव as the eternal student for he has been in university most of his adult life. ye jo hai eternal student dikhaya gaya hai jo har waqt jo hai study mode mein hi rehta tha. emphasize the value of work as salvation of russia aur wo hamesha emphasize karta hai value of work mein as the salvation of russia. lekin ye wo insaan tha jo ke baatein zyada karta tha aur एडवाइसेस ज्यादा करता था, लेकिन ये भी लेस प्रैक्टिकल था. ये एक फिलोसॉफिकल कैरेक्टर दिखाया गया है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है. अच्छा जी, उसके बाद है पेस्टिक, अ नोबल मैन एंड फेलो लैंड ओनर हु इज लाइक रेवेनिस्किया इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. ही इज ऑलवेज सर्टेन दैट ही विल फाइंड द मनी. ये भी इसी तरह का एक इंसान था, इनका जो है नेबर था, लैंड ओनर था, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था. हर वक्त जो है वो कर्जे मांगने के चक्कर में रहता था. Eventually allows the English to mine his estate in order to pay off his debt. फिर रेवेनिस्किया 87 years old man servant. ठीक है, ये इसका मैन सर्वेंट था. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट ऑन द एस्टेट. ये भी हर वक्त पास्ट के बारे में बातें करता रहता था. ये थीम ऑफ मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें हमारे कितने कैरेक्टर्स आ गए हैं, फिर्स का कैरेक्टर आ गया, रेवेनिस्किया का कैरेक्टर आ गया है, और गेव का कैरेक्टर जो कि हमेशा पास्ट में ही खोए रहते थे. उसके बाद ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ थिंग्स वर इन पास्ट ऑन द स्टेट एंड कॉन्स्टेंटली मम्बलिंग. हर वक्त वो मम्बलिंग करता रहता था, मुंह मुंह में बातें करता रहता था. फ्रीक्वेंटली टॉक्स अबाउट हाउ लाइफ वॉज बिफोर द सर्फ वर फ्रीड. ही इज द ओनली सर्वाइविंग लिंक टू द स्टेट ग्लोरियस पास्ट. And he becomes to symbolize the past. वो जो है सिर्फ serving link था to state glorious past का, और वो show करता है past को.
उसके बाद याशा फर्स्ट ग्रैंडसन, लेकिन ये उसका आप समझ ले फॉयल कैरेक्टर था अपने दादा का फर्स का, रेफर टू एज अ स्काउंडरल बाय वैरिया, ही प्लेस विद डनियाशा डनियाशा'स इमोशंस एंड स्कीम्स टू गो बैक टू पेरिस विद मिसेस रमेनेस्किया, ही इज सेल्फ सेंटर्ड मैन हु केयर्स नथिंग फॉर एनीवन बट हिमसेल्फ, ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हाउ अनसिविलाइज्ड रशिया इज व्हेन कंपेयर्ड टू फ्रांस, a strong taste for acrid smelling cigars. Danyasha, the maid in Ravenskaya household who dreams of being an aristocratic lady. theek hai, ye jo maid thi jo ki hamesha ek aristocratic lady banne ke khwab dekha karti thi, she functions mainly as a foil to Yasha, her innocent naive love for him emphasizing that making clear his cynicism and selfishness. Epikodov है, a financial clerk, इसमें C इन्होंने यहाँ पे missing किया है, Epikodov है, a financial clerk whose ineffectual management leads to the auction of the state. एक financial clerk था जिसकी ineffectual management थी, ये जनाब यहाँ का financial clerk था इस state का, लेकिन उसकी ineffectual management की वजह से ये जो estate थी चेरी ऑर्चर्ड था उसका ऑक्शन हो गया, नीलाम हो गया जनाब ये, तो ये भी जो है उसी तरह का जैसे उसके मालिकान थे उसी तरह का उनका क्लर्क था. provides comic relief with his self-conscious pose as the hopeless lover and romantic, हमेशा वो एक कॉमिक रिलीफ देता था अपने सेल्फ कॉन्शियस पोज की वजह से, एज द होपलेस लवर, एक होपलेस लवर था, एक रोमांटिक, often contemplating suicide, अक्सर वो contemplate कर रहा था suicide. Nickname 22 misfortunes, इसका nickname 22 misfortune था, constantly plagued by problems including squeaking boots and crisis, हमेशा जो है वो problems में घिरा रहता था, in love with maid Danyasha. Though we don't see heroes showed in Chekhov stories and plays in traditional form and many of characters suffer from mental instability, हमें यहाँ पे शायद शेखोव की स्टोरी के अंदर कोई हीरो तो नजर ना आए एंड प्लेस इन ट्रेडिशनल फॉर्म, और ना कोई प्ले नजर आए जो कि ट्रेडिशनल फॉर्म में है, लेकिन बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो सफर करते हैं मेंटल स्टेबिलिटी से, बट शेखोव नेवर डिवाइड्स हिज कैरेक्टर इनटू बैड और गुड ग्रुप्स, उसने कभी भी अपने कैरेक्टर्स को बैड और गुड ग्रुप्स में नहीं डिवाइड किया, हिज कैरेक्टर्स आर कंपोजिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स रनिंग कॉज इफेक्ट कोर्स, उसके जो कैरेक्टर हैं वो कंपोजिट हैं ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर का जो कि रन करते हैं कॉज इफेक्ट को, यहाँ पे आपको ना कोई हीरो नजर आएगा ना कोई विलन नजर आएगा इसके ड्रामा से. उसके बाद जनाब थीम्स में इसकी सोसाइटी एंड क्लास है, ठीक है, और जो मेन इसके अंदर आपको जो है स्लाइड नंबर 51 में क्लैश बिटवीन वैल्यूज ऑफ मॉडर्निटी एंड वैल्यूज ऑफ ओल्ड रशिया वो नजर आएगा, ये बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा. मेमोरी एंड द पास्ट, दैट इज द मेन, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों की थीम है जो कि अक्सर आ जाता है. ये जनाब मेमोरी एंड पास्ट की कुछ चीजें यहाँ पे आपको लिंक्स और कुछ कोर्स शो की गई हैं, इसका बहुत ज्यादा रोल है. फिर इंडिपेंडेंस लिबरेशन एंड फ्रीडम, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा. इन्फेंटलिज्म, उसके बाद नेचर, फिर सिंबल्स हम देख लेते हैं. सिंबल्स में हम चेरी ऑर्चर्ड की, चेरी ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट करता है सिंबलाइज करता है लॉस एंड रिन्यूअल को, मेमोरी को, रेडनेस ऑफ फॉर्मर सोवियत फ्लैग को, और ईडन मिथ को. ये भी बेटा आप लोग इसको एक एक दफा पढ़ लीजिएगा, और कल हम इंशाल्लाह जो है इसको मजीद आगे जो है इसका रिमेनिंग जो है चेरी ऑर्चर्ड हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और रिमेनिंग बेटा इंशाल्लाह कल हम करते हैं. टाइम इज ओवर नाउ.